हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बीटीबी स्पाई। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक रिसेंटली वेब सीरीज द अनडूइंग की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगी। द अनडूइंग एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है। द अनडूइंग के डायरेक्टर हैं सुजैन बायर। द अनडूइंग के मेन लीड रोल हैं निकोल किडमैन और ह्यू ग्रैंट। द अनडूइंग एक 2014 बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड है, यू शुड हैव नोन। द अनडूइंग HBO प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर्ड हुई 25 अक्टूबर 2020 में। IMDb पर द अनडूइंग को मिले हैं 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। ओके गाइज, लेट्स गो टू रीकैप। ये सीरीज फॉलो करती है एक कपल ग्रेस फ्रेजर और जोनाथन फ्रेजर अपनी जिंदगी बहुत खुशी और आराम के साथ गुजार रहे थे मैनहट्टन में। इस कपल का एक यंग सन भी था हेनरी। इन लोगों की जिंदगी जब खराब होना शुरू होती है जब हेनरी का एक स्कूल मेट की मदर एलेना एल्विस का मर्डर हो जाता है। जोनाथन का कनेक्शन था एलेना के साथ। अब इस बात की वजह से फ्रेजर फैमिली मीडिया की नजरों में आ गई थी, लेकिन इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन जोनाथन के कोर्ट केस के इर्द गिर्द घूमती है। इस केस के दौरान ऐसे राजों का खुलासा होता है जिससे ग्रेस और हेनरी अनजान थे। इससे इन दोनों का ऐसा लग रहा था कि जोनाथन जिस किस्म का इंसान लग रहा था, एक्चुअल में जोनाथन इससे बिल्कुल बरक्स था। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। द अनडूइंग की एंडिंग फाइनली उस क्वेश्चन का आंसर दे देती है जिस क्वेश्चन को इस पूरे सीजन में पूछा गया है कि किसने मारा एलेना एल्विस को। खैर, HBO की ये हिट शो की कहानी जहां पावर की है वहीं धोखाधड़ी के ऊपर भी मुबनी है। इस शो के हर मोड़ पर ट्विस्ट आते हैं और इन्हीं ट्विस्ट के रहते हुए इस शो का फिनाले आ जाता है। द अनडूइंग शो की एंडिंग में रिवील होता है कि जोनाथन ने ही एलेना एल्विस का मर्डर किया होता है। ये थोड़ा अजीब था इस शो के बिगनिंग में इस बात को मानना कि जोनाथन किलर है। जोनाथन और एलेना जब मिलते हैं जब एलेना का सन मिगेल का ट्रीटमेंट जोनाथन कर रहा होता है। इसी बात के बिना पर जोनाथन एलेना और मिगेल से बहुत करीब हो गया था और ये नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि जोनाथन और एलेना का अफेयर शुरू हो गया था। एलेना की डेथ से पहले एलेना ग्रेस से एक ओकेजन के थ्रू मिली और वो जब भी ग्रेस को देखती उससे अच्छा महसूस होता था। इवन पूरी दी अनडूइंग सीरीज में ऑडियंस को बस इस बात पर मजबूर किया गया है कि ग्रेस या हेनरी ही एलेना के कातिल हैं, लेकिन हर बार ये क्लियर हो जाता है कि एलेना का कातिल जोनाथन ही है। अगर इस फैक्ट को देखा जाए कि जोनाथन मर्डरर है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि जोनाथन का जो बिहेवियर था इस पूरे केस के दौरान वो शक में डालने वाला था। जोनाथन ने फॉर्मली अपना क्राइम मान लिया था। इसी दौरान ग्रेस को एक शॉकिंग राज मालूम चलता है जोनाथन की मदर से। उनका कहना था जब जोनाथन 14 इयर्स का था वो जिम्मेदार था अपनी 4 इयर्स ओल्ड सिस्टर की डेथ का, लेकिन जोनाथन को जिंदगी में इस बात का ना तो कोई दुख है और ना ही कोई गम। इवन जोनाथन को ना ही उसकी डेथ का गम है। ग्रेस एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट थी और उसे रियलाइज हो गया था कि उसके हस्बैंड को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में पेशेंट को दूसरे इंसान के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दूसरा इंसान खुश हो या दुखी। इस पूरे केस के दौरान जोनाथन को इस बात का डर था कि कोई शख्स ये यकीन ना कर ले कि जोनाथन ही मर्डरर है एलेना का। खैर, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जोनाथन जारो खतार रोना शुरू हो जाता है और जोनाथन इनडायरेक्टली पूरे मर्डर मिस्ट्री अपनी फैमिली मेंबर्स पर डाल देता है। जोनाथन ढके छुपे अल्फाज में लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये मर्डर उसके बेटे हेनरी ने किया है, जबकि जोनाथन को अच्छे से मालूम था कि ये सच नहीं है। ग्रेस सबको यही सजेस्ट कर रही थी कि जोनाथन को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लेकिन लोग ग्रेस की इन बातों को सिर्फ एक नफरत का नाम दे रहे थे जोनाथन के लिए। ग्रेस अपने हस्बैंड के इस खतरनाक बिहेवियर को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन जोनाथन ने लोगों के बीच अपनी इमेज बिल्कुल क्लियर कर ली थी और अब पूरी पावर उसके साथ थी। लेकिन जोनाथन सबसे झूठ बोलकर भाग जाता है और इस सीरीज की एंडिंग में जोनाथन अनकरीब था उसकी हकीकत खुलने के। इसी वजह से वो ब्रिज से छलांग लगाना चाहता था।
क्योंकि अगर एलेना के मर्डर का रास खुल गया तो जोनाथन की ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा और उसकी पावरफुल इमेज तबाह होकर रह जाएगी। हर क्लूज जोनाथन को एलेना का कातिल साबित करते हैं। The Undoing शो में बहुत अच्छी तरह से एविडेंस पैदा किए थे जिससे ये साबित हो रहा था कि जोनाथन ही कातिल है, लेकिन इस शो में ऐसे कर्व बॉल्स फेंके गए हैं ऑडियंस की तरफ जिससे ये शो एक ड्रामे की सूरत इख्तियार करता गया, लेकिन ऑडियंस के माइंड में हमेशा से ही जोनाथन क्रिमिनल रहा। अगर इस बात को आसानी के साथ समझा जाए तो जोनाथन एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव था जिसने एलेना का कत्ल किया। जोनाथन और एलेना का अफेयर भी हर टीवी चैनल पर रिवील हो गया और यही सही मौका था कि जोनाथन को इस रिलेशनशिप का कोई हल निकालना था, क्योंकि जोनाथन एक अपर क्लास डॉक्टर था और एलेना एक वर्किंग क्लास वुमेन थी। बहुत सारे शोज में हमें दिखाया जाता है कि डिफरेंट क्लासेस रिलेशनशिप का एंड हमेशा बुरा ही होता है। जोनाथन को हॉस्पिटल से फायर भी कर दिया गया था क्योंकि जोनाथन और एलेना ने अपनी लाइन क्रॉस की थी, और आखिरकार जोनाथन की एक डॉटर भी थी एलेना से, और अगर इस बात की भनक बाहर लग जाती तो उसकी कास्ट में उसके लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते और उसका पावरफुल इमेज खराब हो जाता। यही एविडेंस काफी है कि जोनाथन ने ही एलेना का मर्डर किया था। हैनरी ने मर्डर वेपन क्यों छुपाया? कोर्ट डिस्कवर कर लेता है कि एलेना का हेड एक हैमर से कुचला गया है। The Undoing का सेकंड लास्ट एपिसोड एक शॉकिंग सीन पर एंड होता है जब ग्रेस हेनरी के बेड के नीचे से मर्डर वेपन ढूंढ लेती है। एक पल के लिए हम ऑडियंस को ऐसा महसूस होता है कि मर्डर हेनरी ने किया है, लेकिन कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हेनरी ने जोनाथन और एलेना को एक साथ देख लिया था स्कूल के बाहर, और उसे मालूम चल गया था कि एलेना और जोनाथन का अफेयर है। जोनाथन ने मर्डर हैमर बीच हाउस पर छुपा दिया था और हेनरी अब ये पजल्स जोड़ रहा था कि उसके फादर ही मर्डरर हैं। इसीलिए हेनरी ने हैमर को डिश वॉशर में दो बार वॉश कर दिया था ताकि डीएनए रिमूव हो जाए। इस सीरीज के बिगनिंग में बताया गया था कि जोनाथन और हेनरी का काफी अच्छा रिलेशनशिप है और हेनरी ने हैमर को अपने पास इसलिए रखा हुआ था ताकि वो ये महसूस कर सके कि वो अपने फादर से नाराज नहीं मर्डर पर और ना ही उनके अफेयर पर। हेनरी बस अपने फादर को सेव करने की कोशिश कर रहा था। हेनरी अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी लाइफ खराब हो गई। हेनरी एक गहरे ट्रोमा में चला गया था और एडल्ट इवेंट्स की वजह से वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। उसके फादर ने उससे इतना झूठ कहा था जिसकी वजह से उसका बचपन उससे छिन गया था। इस सीरीज की एंडिंग बस जोनाथन के ट्रायल पर ख़त्म की होगी। मे बी ये एक ग्रीन लाइट है सीजन 2 के लिए। HBO शो सीजन 1 के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा सीजन 2 में हेनरी के ऊपर। जोनाथन ने एलेना को क्यों मारा होगा? The Undoing सीरीज फ्लैशबैक में जाती है जब एलेना का मर्डर हुआ था, और वहाँ हमें शो होता है कि हर बार जोनाथन को मोटिव कर रही थी एलेना को मारने के लिए। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में एलेना ग्रेस की लाइफ में मुसलसल आ जा रही थी। एलेना अब थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो गई थी और वो ग्रेस का शुक्रिया अदा करती है ग्रेस की काइंडनेस के लिए, लेकिन फिनाले में एलेना अब हरकत में आ जाती है और वो सोचती है क्यों ना उसकी फैमिली और ग्रेस की फैमिली एक हो जाए। एलेना ये बात जोनाथन से शेयर करती है कि उसकी और ग्रेस की बॉन्डिंग भी अच्छी है, और इसी तरह हेनरी और मिगेल भी फास्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। जोनाथन को लग रहा था कि एलेना इन दोनों के अफेयर को पब्लिक कर देगी और जिसकी वजह से जोनाथन अपनी पूरी इमेज खो देगा। एलेना ने ग्रेस के साथ सोशल सर्कल ज्वाइन कर लिया था। एलेना अपनी सारी इमेजिनेशन को रियल बनाना चाहती थी और जोनाथन को अपनी वैल्यू और इमेज खोने का डर था। इसी वजह से ये दोनों फाइट करते हैं और जोनाथन एलेना को छोड़कर जा रहा था। एलेना उसे रोकती है, लेकिन वो उसे बहुत मारता है। आखिरकार एलेना हैमर लेकर जोनाथन के पास बढ़ती है, लेकिन जोनाथन उसके हाथ से हैमर ले लेता है और एलेना के हेड पर बार बार हैमर मारता है। इस सीन में कहीं भी जोनाथन के इमोशंस नहीं जाहिर हो रहे थे और जोनाथन का फेस भी बिल्कुल फ्लैट था। जब वो एलेना का मर्डर कर रहा था, इस बात से ये जाहिर हो रहा था कि जोनाथन की रेपुटेशन ही सब कुछ थी बजाय किसी इंसान की लाइफ से। ग्रेस ने जोनाथन के खिलाफ गवाही क्यों दी? The Undoing में ग्रेस इमोशंस के रोलर कोस्टर में थी। इस सीरीज में कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहां ग्रेस अपने हस्बैंड से डर रही थी, और कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहां ग्रेस को अपने हस्बैंड पर भरोसा था
और कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जिसमें ग्रेस को जोनाथन से नफरत हो रही थी, लेकिन सीरीज के एंड में ग्रेस को रियलाइज हो जाता है कि ये सिर्फ जोनाथन के लिए नहीं है बल्कि सब हेनरी के लिए है। ग्रेस बहुत डीपली डिस्टर्ब थी इस बात को जानकर कि जोनाथन की वजह से उसकी सिस्टर की डेथ हुई, और जोनाथन को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। यही वो रीजन था जिसके बिना पर ग्रेस जोनाथन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थी। ग्रेस कोर्ट के सामने जोनाथन की सिस्टर की स्टोरी बयान कर देती है। वैसे भी जोनाथन के खिलाफ काफी एविडेंस थे और ये रीजन जोनाथन के लिए कॉफिन तैयार कर देती है। ग्रेस ने अपनी हस्ती खुशी लाइफ और जोनाथन का साथ को पीछे छोड़ दिया था। जब जोनाथन ने मर्डर किया था उसी दिन से जोनाथन ग्रेस की लाइफ से निकल गया था। ग्रेस के लिए एक ही चीज मैटर करती थी, वो उसका बेटा हेनरी था। इसीलिए ग्रेस ने जूरी के सामने ऐसे एविडेंस रखे जो काम कर सकते हैं इस केस में। खैर, दी अनडूइंग सीजन 2 हेनरी की कहानी को फॉलो कर सकता है। जोनाथन के ट्रायल के दौरान हेनरी अपने पेरेंट्स में से किसको चूज करेगा? क्या हेनरी को सच मालूम चल जाएगा और वो अपनी मदर को चूज करेगा, या उसके अंदर भी अपने फादर के जैसा कोई डार्कर साइड होगी? ये तो सीजन 2 में ही पता चल सकता है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करेगा, और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।